कई बार जीवन में ऐसी घड़ी भी आ जाती है कि हमारा मन कहीं नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं। बहुत अकेलेपन का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अकेले हैं। मन बहुत उदास होता है, पूरा दुख से भरा होता है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। जब हमारा मन इतना उदास, इतना परेशान और इतना दुखी होता है, तब हमें मन की बीमारियां घेरने लगती हैं, जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, स्ट्रेस। हमारा मन पूरी तरह बीमार हो जाता है। और आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम सुख की तलाश में हैं, हम मानसिक शांति की तलाश में, हम आनंद की तलाश में हैं, हम सुख को ढूंढ रहे हैं। और जो चीज हमें हासिल है उस चीज में हमें कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा, जो चीज उपलब्ध है उसमें हमें कोई आनंद नहीं आ रहा, और हम सुख और आनंद की तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से। इस वजह से हमारा मन बहुत उदास है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो माउंटेन्स में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसकी उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, वहां का वातावरण भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये पहाड़ों में जीना भी तो क्या जीना है, क्यों ना शहर में चला जाए, शहर का जीवन बहुत अच्छा है। तो वो अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के सब कुछ समेट के शहर में आ जाता है, गोवा में आ जाता है। अब उसको ऐसा लगता है कि वाह, अब जिंदगी का मजा आएगा। कुछ दिन, कुछ महीने तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एटमोस्फियर बहुत अच्छा है, क्या आनंद है। मगर धीरे 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 उसको वो आनंद आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे उसको वो मजा आना, वो सुख आना बंद हो जाता है। आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? छोटी सी बात को जरा ध्यान से समझिए, आपको कभी तनाव नहीं होगा। इसका कारण ये है परिवर्तन, इसका कारण है परिवर्तन, गोवा कारण नहीं है, इसका कारण है परिवर्तन। उस व्यक्ति ने अपनी जगह बदल ली, अपने उस जगह से उसने सब कुछ शिफ्ट कर लिया गोवा में, यानी उसके जीवन में एक परिवर्तन हुआ। लेकिन ये परिवर्तन कितने दिन चलेगा? कुछ दिन, कुछ महीने या एक दो साल। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा जैसे उसने क्या कर लिया। पहाड़ों की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, वहां पे तो फ्रेश एयर और कोई पोल्यूशन भी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, जिंदगी का आनंद तो पहाड़ों में था। अब उस व्यक्ति को गोवा में रहने में भी, शहर में रहने में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो कितनी जगह बदलेंगे आप अपने आनंद, अपने सुख, अपनी खुशी के लिए कितनी जगह बदलेंगे? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो ये कहते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूं, मैं एडवेंचर के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं अपने शहर से बाहर जा रहा हूं, मैं अपनी कंट्री से बाहर जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है, मैं अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहता हूं, अपने मन को शांत करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बहुत दूर जा रहा हूं, मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूं, मैं इससे मिलने जा रहा हूं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ये एक तरह के लोग हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे जीवन में आनंद है, इसीलिए मैं घूमने जा रहा हूं, क्योंकि मैं खुश हूं, मेरे जीवन में आनंद है, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं घूमने जा रहा हूं। और पहली तरह के लोग कहते हैं मैं खुश होने के लिए घूमने जा रहा हूं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, बात को ध्यान से समझिए। अगर आपका मन आनंदित है, अगर आपका मन खुश है, तो आप चाहे एक छोटे से ढाबे में भी बैठे होंगे तो आपको 5-स्टार होटल की फीलिंग आएगी। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, इस दुखी मन को आप 5-स्टार होटल में भी ले जाएंगे तो वहां भी आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा, 5-स्टार होटल में भी आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। इसका रीजन ये है कि मानसिक शांति या जीवन का आनंद या जीवन का सुख किसी 5-स्टार होटल में नहीं है या किसी ढाबे में नहीं है। एक्चुअली मानसिक शांति का रहस्य तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है, ये आपके अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आपका मन शांत नहीं है, खुश नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। और अगर आपका मन खुश और उत्साहित और
और उल्लास से भरा हुआ है तो आप कुछ भी मत कीजिए तो भी आप बहुत खुश रहेंगे। बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि किस वजह से आप स्ट्रेस में हैं। असल में होता यह है कि आप परिस्थितियों से डर के भाग रहे हैं। आप परिस्थिति से डर के भागिए मत, बल्कि जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में हैं, उस परिस्थिति का पूरी तरह जागरूक होके सामना कीजिए। जब आप उस परिस्थिति का सामना करेंगे तो धीरे धीरे आपको मानसिक शांति मिलने लगेगी, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। आप परिस्थितियों से डर के भागिए नहीं, आप परिस्थितियों से घबराइए नहीं। आखिर आप जहां भी जाएंगे आपका मन तो आपके साथ ही रहेगा। वो डर, वो भय, वो शंका, वो तो आपके साथ ही चलेगा। तो क्यों ना एक बार परिस्थितियों का सामना कर लिया जाए। आप अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाइए, अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाइए। खुद में विश्वास कीजिए, प्रभु परमात्मा परमेश्वर ईश्वर में विश्वास कीजिए, और जो भी समस्या आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हैं, उससे घबराइए मत। अपने विश्वास की शक्ति से उसका सामना कीजिए। और एक बात और बताऊंगा आपको, ओवर ईटिंग मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल भी ओवर ईटिंग मत कीजिए। हर काम को बैलेंस में कीजिए। ना तो बहुत ज्यादा सोचिए, ना बहुत ज्यादा खाइए, ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी काम को एक्सेस में मत कीजिए। लाइफ को एक बैलेंस्ड होके चलाइए। तो ट्रस्ट मी, आपको अपने मन को शांत करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आपका मन शांत हो जाएगा, और अब इस शांत मन को लेके आप जहां जाएंगे वहीं आप आनंद का अनुभव करेंगे। तो अपने मन के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक हो जाइए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छा खाइए, और देखिए कैसे आपका मन शांत होने लगेगा और ये मन की बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो अपने आप से, अपने मन से भागिए मत। अपने मन को धीरे धीरे रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। क्योंकि आपके मन का उपचार आप खुद कर रहे हैं, आपके मन के डॉक्टर आप खुद बन गए हैं, अपने मन की हीलिंग आप धीरे धीरे खुद कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन प्रसन्न चित होने लगेगा। तो अपने मन के डॉक्टर खुद बनिए, अपने मन की कमियों को समझिए, किस तरीके से आपका मन प्रसन्न होता है, कैसे आपको अच्छा लगता है, इस मन के साथ थोड़ा समय लगाइए। मन की बीमारियां छूम अंतर, आपका मन हेल्दी हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में आनंद और खुशियां मिले आपको, और जीवन को आप एंजॉय करें। बहुत बहुमूल्य जीवन है, इसको वेस्ट मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much. Thanks a lot.